गाइस मैं इस वक्त हजरत सैयद अली शाह सकी सरमस्त के दरबार में हूँ और गाइस बाबा को 16 10 10 क्यों कहा जाता है इसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा मैं। और रमज़ान मुबारक में यहाँ कौन लोग इफ्तारी करवाते हैं इसके बारे में मुकम्मल आपको जानकारी दूंगा मैं। ये बाबा सैयद अली सरमस्त को 300 साल हो गए हैं, इसको पटली वाले बाबा भी बोलते हैं, कबूतर वाले बाबा भी बोलते हैं, पीर बुखारी भी बोलते हैं, पीर बुखारी माशाल्लाह कहते हैं, ये तीनों चीज़ें बोलते हैं। और रमज़ान के तमाम में आपको कहीं के भी व्लॉग बनाने तो हमसे रब्ता करो, कोई मालूमात है व्लॉग हम तक पहुँचानी। और इसके साथ साथ ये बताऊंगा कि यहाँ पे तीन किन बड़ी हस्तियों की कब्रें मुबारक है, तो गाइस वीडियो को मुकम्मल देख लें। बाबा सैयद अली सरमस्त यहाँ पर कोई भी आता है बस वो कहता है कि यहाँ पर काम जैसे अर्ज करो ऐसे ही पूरा हो जाता, जैसे अर्ज करो उसी तरह पूरा हो जाता है। बाबा सैयद अली सरमस्त 16 10 10 14 10 10 आप लोग इस हाथ लो अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या 14 10 10 सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इधर फरियाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस आपका मेहमान शहबाज सुजानी काजी आगरा खिदमत है यहां दरगाह वालों के साथ। गाइस यानी मेरे आज के वीडियो के हजरत सैयद अली शाह सरमस्त दरबार की गाइस ये दरगाह है गुलबाई रोड पे, गुलबाई की बाईपास रोड पे देखिए मेन रोड है ये, श्यामा ड्यूटी रोड है मेन, ये सी मेन रोड तो बस ये दरगाह पीछे मेरे बैक साइड में देखिए आप दरगाह है। बस वैसे वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार में, तो यहाँ से जो भी मालूम मिलेगी हम आप तक पहुँचाएँगे मालूम सारे बाबा की। और यहाँ जो है इफ्तार की इंतजाम होता है, यहाँ रोज़ाना की दुनिया पर जो इफ्तार की इंतजाम होता है देख सकते हो आप सामने दस्तरखान बिछे हैं बड़े सारे इंतजामिया सारे बेटे हैं मतलब सारे बेटे हैं। अभी जो है इफ्तारी का सिलसिला जारी है, इस तरह के दस्तरखान बिछाए इन्होंने सिलसिला जारी इफ्तारी का हुआ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और बाद आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया वीडियो में, कहीं की वीडियो बनानी कहीं की वीडियो बनानी हो तो हमसे रब्ता करें, हम वहाँ पहुँच जाएँगे वहाँ पर व्लॉग बनाएंगे कहीं की व्लॉग बनानी हो। बस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बस मेरी सपोर्ट करें ताकि मेरी उस बात सही हो। बस मजीद व्लॉग मैं बनाता रहूँ सुबह मतलब बस देख लें, बस किस्मतकार है इनसे कुछ मालूम देते हैं बाबा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? मुबारक जी। मुबारक आप किस्मतकार हो यहाँ के? जी हाँ जी। आप बाबा आप भी किस्मत कर रहे हैं कि बाबा बाबा के बारे में कुछ मालूम देने आप दे सकते हो मालूम बाबा के बारे में? बाबा सैयद अली सरमस्त जी 14 10 10 ये बाबा हमारे बाप दादों के से भी पहले गए सुभान अल्लाह। ये तो सैयद अली सरमस्त 14 10 10 सुभान अल्लाह बाबा का यही है। ये तो दस्तरखान है इस तारीख का, ये रोज़ाना के बुनियाद पर रिश्ता यहाँ पे, यहाँ सिर्फ इफ्तारी होता है शहरी का भी इंतजाम होता है, यहाँ इफ्तारी होता है सिर्फ इफ्तारी होता है यहाँ पे, अल्लाह वाला आएगा शहरी लाएगा तो वो भी दिला देंगे। अच्छा अभी सिर्फ इफ्तारी का इंतजाम चलता है, वह चलते हैं अंदर की तरफ जो भी इंतजाम है मिलेंगे जो अंदर वहाँ से मालूम लेते हैं दरबार का ज़्यारत आपको कराएँगे यहाँ की। बस देख लें कितना प्यारा सुभान अल्लाह गुम्बद मुबारक से अतली सरमस प्यारी कितनी प्यारी व्यू आ रही है सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इतने पुरसकून दरबार है ये अलम मुबारक है सरकार की, ये अलम मुबारक माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस देख ले दरबार का खलीफा है, ये सारे लंगर वगैरह माशाल्लाह खलीफा है, खलीफा साहब से कुछ मालूम लेते हैं दरबार के बारे में और यहाँ के जो इस तारीख के इंतजाम है सारे बारे में मालूम देते हैं खलीफा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, वो आप खलीफा हैं आगे तो हमें मालूम आपको दे सकते हो दरबार के बारे में, दे दो कुछ मालूम जो हमारे नॉलेज में आ जाए। ये बाबा सैयद अली सरमस्त को 300 साल हो गए हैं, इसको पटली वाले बाबा भी बोलते हैं, कबूतर वाले बाबा भी बोलते हैं, पीर बुखारी भी बोलते हैं, पीर बुखारी माशाल्लाह कहते हैं, ये तीनों चीज़ें बोलते हैं। और रमज़ान के तमाम में आप देख सकते हैं देवी वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहली का होता है रमज़ान, ये रमज़ान की पहली से ही पहले तारीख से जो है ना ये रमज़ान को पूरा महीना सारी वगैरह यहाँ पर बाबा के नाम की होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर चलता रहे रोज़ाना की बुनियाद पर चलता है। और माशाल्लाह यहाँ पर लोग 200 से लेकर 500 लोग आते हैं। अच्छा माशाल्लाह कितने 200 से 500 लोग अफराद आते हैं, 200 से 500 लोग सुबह अल्लाह ज़ारीन मतलब बहुत सारे आते हैं यहाँ दरबार में आ जाते हैं।
तो ये जो इंतजामिया है किस तरह मतलब चल रहा है आपका निज़ाम या आपका काम किस तरह चल रहा है? अपने आप चलाते हम लोग या कमेटी के जो जितने भी बंदे हैं सारे आपस में मिल गए अच्छा मतलब दरबार कमेटी बनी हुई है यहाँ की क्या नाम है कमेटी की यहाँ की? बाबा सैयद अली सरमस्त सैयद अली सरमस्त के नाम से कमेटी बनी हुई है माशाल्लाह ये सारे कमेटी के लोग सारे मिलकर सारे काम चला रहे हैं कमेटी के लोग सारे मिलकर एक साथ जो है ना ताउन करते हैं एक दूसरे का हाथ बटाते हैं जी एक दूसरे की खिदमत भी करते हैं लोगों की भी खिदमत करते हैं। और यहाँ से कितने दूर दूर से जाहिर आते हैं दरबार में? दूर से आते हैं कुछ कह नहीं सकते कुछ बलूचिस्तान से भी आता है पेशावर से भी आ जाते हैं मुल्तान से भी आ जाते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर से आ जाते हैं यहाँ पे दरबार में पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो बाबा कौन से मुबारक कब होते हैं? बाबा 12 रजब को 12 रजब से 16 रजब। आप हमें पूरा निज़ाम दिखा सकते हो? बस चलते हैं खलीफा साहब के साथ निज़ाम देखते हैं इफ्तारी का कि किस तरह चला रहे हैं निज़ाम को। सुभान अल्लाह देख लें सुभान अल्लाह इफ्तारी का सामान सारे पड़े सुभान अल्लाह कितने देख लें सारे सरकार का सारे करम है सैयद अली सरमस्त सरकार का सारे करम है ये बस ये इफ्तारी सुभान अल्लाह देख ले यहाँ 200 से 500 अफराद की इफ्तारी बन जाती है बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे इफ्तारी करना सुभान अल्लाह बस देख लें ये इफ्तारी ये फ्रूट है ये पुलाव बनी हुई है माशाल्लाह सुभान अल्लाह देख लें सारे कितने सारे लगे हैं सारे इंतजामिया लगे हैं। तो खलीफा साहब के साथ जाते थोड़ा अंदर की तरफ वहाँ की भी देखते हैं बाबा की ज़्यारत को कराएँगे। खलीफा साहब हमें यह बताएं कि ये शरबत का निज़ाम चल रहा है? जी ये शरबत का निज़ाम है बाहर 3 ड्रम बने हुए हैं शरबत के बाहरी रखे हैं 3 ड्रम ये जग वगैरह है तो ये यहाँ पर तकसीम करेंगे जब लोग आकर बैठेंगे तब अच्छा तब लोग तकसीम करेंगे तब माशाल्लाह सुभान अल्लाह बस देख लें सैयद सैयद अली शाह की सरमस तो ये दरगाह बनी है नीचे की तरफ नीचे की जानब बनी है तो खलीफा साहब हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं वो लोग में हमें चलते अंदर सुभान अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये सैयद सैयद अली शाह की सरमस्त सुभान अल्लाह वाहिद देख लें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बस ज़ायरीन यहाँ बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं फैज़ियाब होकर चले जाते हैं दरबार से जो मुश्किलात होते हैं जो बीमारी होते हैं जो भी मुश्किलात होते हैं यहाँ पे हल हो जाते हैं इनकी निगाह करम से इनके दुआ से हल हो जाते हैं। तो खलीफा साहब से जो मालूम देते हैं कि बाबा के बारे में और मालूम हमें बताएं जो बाबा की करामात आपके सामने आए हैं और भी बताएं। बाबा सैयद अली सरमस्त यहाँ पर कोई भी आता है बस वो कहता है कि यहाँ पर काम जैसे अर्ज करो ऐसे ही पूरा हो जाता है जैसे अर्ज करो उसी तरह पूरा हो जाता है। बाबा सैयद अली सरमस्त 14 10 पर 10 14 10 पर 10 हाथ दो इस हाथ दो अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या 14 10 पर 10 सुभान अल्लाह माशाल्लाह इधर फरियाद हुई उधर इधर पूरी हो गई सुभान अल्लाह ये अल्लाह वालों की बड़ी शान होती है ये बड़ी भी कुछ ये ऊपर की जानब कुछ बनी हुई ये लेडीज का पोर्शन तो ऊपर की तरफ बनी हुई है अभी नीचे का जो है ना अभी सब कुछ नीचे होता है सिर्फ जो मेरा आपको लेडीज़ अलग कर देते हैं क्योंकि अच्छा। लेडीज़ का रश ज़्यादा होता है आदमी औरतें हम नहीं चाहते कि बुजुर्गों की सही है तो है बिल्कुल एक दूसरे से टच इस वजह से लेडीज़ को अलग कर दिया जाता यहाँ पे जिक्र लाई भी जारी होता है जारी होता है इस वजह से लेडीज़ को अलग कर देते हैं सही जेंट्स अलग कर देते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह और आगे की तरफ चले जो वहाँ जो सैयद अली सरमस्त सुभान अल्लाह और सैयद अली सुभान अल्लाह देख लें सारे ज़ायरीन हैं दरबार में सुभान अल्लाह। खलीफा साहब ये बताएं कि इनके बारे में कुछ बताएं नहीं ये बाबा मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह ये बाबा के खलीफा हैं क्या हैं साहबजादे बाबा तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बाबा के बिल्कुल बराबर में बाजू में है ये सुभान अल्लाह पुरसकून दरबार है इनके अल्लाह वालों की निगाह करम से जो है सारी दुनिया चल रही है अल्लाह पाक हमें भी इनके वसीले से दिला रहा है माशाल्लाह। तो चलते हैं जो तीसरी जो कब्र मुबारक है वहाँ की आपको दिखाएंगे हम तो खलीफा साहब ये गए बाबा हैदर शाह बाबा हैदर शाह देख लें बाबा हैदर शाह सुल्तान अल्लाह तो ये बाबा के कौन है ये पीरो मुर्शिद है पीरो मुर्शिद पीरो मुर्शिद है सुभान अल्लाह देख लो बस अली शाह करमत
पीर मुर्शिद बाबा का सुभान अल्लाह इतनी पुरसकून दरबार है। खलीफा साहब का शुक्रिया हम अदा करते हैं कि सारे निज़ाम हमें दिखा रहे खलीफा साहब। अब ये किस चीज़ के बारे में? जी चूल्हे को हिला देते हैं बाबा उनको जो है ना वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बाबा उनके बोलते हैं हंसते तो फिर जो भी हो अपने घर पे न्याज लंगर कर लो या यहाँ ला के कर। अच्छा जो बे औलाद होते हैं माशाल्लाह इनकी करम इनकी निगाह करम से सारी औलाद हो जाते हैं सुभान अल्लाह बड़ी करम है इनकी। और ये बाबा के बाबा जुम्मन शाह बलोच माशाल्लाह सुभान अल्लाह बाबा के कादम है सुभान अल्लाह देख ले सारा दरबार का निज़ाम है सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सिक्योरिटी का अच्छा निज़ाम है बराबर में पुलिस है जी वो हमारे साथ ताउन करती है फुल सीधे आपके तरफ रेंजर्स वाले का रिंग है 50 रिंग है वो भी सारे ताउन करते हैं दरबार हल करते हैं तो 5 मिनट में हमारे पास पहुँच जाते हैं माशाल्लाह। आप ये हमें बता सकते हैं कि उर्स के दिन क्या निज़ाम होता है किस तरह निज़ाम करता है? समझो पहले दिन से लेके आखिर दिन तक लोग जो है ना 5,000 की तादाद में भी हो जाते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सिक्योरिटी भी हमारी अच्छी होती है सर्चिंग वगैरह ये हर चीज़ हमारा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाती है। गवर्नमेंट का ताउन भरपूर हमारे साथ होता है गवर्नमेंट का ताउन बिल्कुल होता है भरपूर ताउन ये बड़ी करम बस हम थाने में जाके अपनी इंतजार करते हैं SHO साहब जो है ना वो हमारे साथ दो दो मोबाइल भेज देते हैं दरबार में ड्यूटी के लिए जी हाँ DG रेंजर्स को बोल देते हैं वहाँ से रेंजर्स के मोबाइल आ जाते हैं मोबाइल आ जाती हैं जवान मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं। चलो ये भी शुक्र है कि ताउन है इनके भी तो चलते ऊपर की जानब कल पसंद माशाल्लाह सुभान अल्लाह देख लें जितनी हिस्ट्री हम तक पहुँची है खलीफा साहब ने हमें दे दी हमें आप तक पहुँचाइए। और जो बराबर में जो मस्जिद थी वो भी बाबा के नाम से मस्जिद है बाबा सैयद अली सरमद जामा मस्जिद सही वो भी दरबार के हिसाब से मस्जिद है माशाल्लाह बराबर में मस्जिद भी बाबा के नाम से ये सुभान अल्लाह बस देख ले कितनी पुरसकून नज़ारा सुभान अल्लाह इफ्तारी का निज़ाम वगैरह सारे बने हुए हैं सुभान अल्लाह बस देख ले। तो खलीफा साहब हमें आप ये बताएँ कि जो लोग ज़ायरीन आना चाह रहे हो तो आप एड्रेस बताएँ? वो तो एड्रेस पूरा लिखा हुआ है मारीपुर रोड सारे का मारीपुर रोड मज़ार का एड्रेस लिखा हुआ है मारीपुर मुकम्मल एड्रेस जो है ना शेर शाह नब थाने के बराबर में है सही मारीपुर रोड पे ये मेन रोड पर वाकई है। और आपके नज़रों के सामने जब बाबा के करामात जो पेश आए तो कुछ उनके बारे में मालूम हमें बताएं बस सर वो तो सबके सामने है बाबा की करामत है किसी को पता नहीं चलता कब किसके सामने आ जाए। और एक दफ़ा हम फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि दरबार की ओर से मुबारक आती है 12 रजब को शुरू होता है 12 रजब से 16 रजब तक होता है 12 रजब से 16 रजब तक होता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह बस देख ले सुभान अल्लाह खलीफा साहब की बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उसने बड़ी तावन की हमारे साथ। बस अगर आपको हमारी व्लॉग अच्छी लगी हो और आप अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो खलीफा साहब की भी नंबर हम कॉन्टेक्ट नंबर देंगे स्क्रीन में अपनी तो रब्ता कर सकते हो यहाँ आ सकते हो जो मालूमात देना है तो फैज़याब होना है किसी भी बीमारी मुब्तला में हो तो आप आ सकते हो यहाँ पर। तो ये ऊपर की जाने पे ये लेडीज़ पोजीशन ये बनी हुई है लेडीज़ के लिए जगह बने ऊपर यहाँ की बस। अगर हमारी व्लॉग आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट्स करें ज़रूर लाजमी बस चैनल को सब्सक्राइब करें ओके बस खुदा हाफिज़।